hydrogen atoms in ground state are moving in opposite direction with same speed collide head on. The maximum kinetic energy of each hydrogen atom for the collision to be inelastic so that both the atoms are excited is. अब देखिए आपका जो है ना यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा तभी आपको मिनिमम एनर्जी लगेगी काइनेटिक एनर्जी. तो जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो जो आप देखिएगा मान लेते हैं पहले एटम पे के काइनेटिक एनर्जी है, दूसरे पे भी के है, तो ये आपका जब परफेक्टली इनइलास्टिक होगा तो ये दोनों आपके क्या होंगे भाई, परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में आपकी ये जो है अपनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा. अब वो कितना होता है मैं आपको बता देता हूँ. जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है ये दोनों एटम जो है सेम मास के हैं तो ये होगा आपका 1/2 m1 इंटू m2 दैट इज m इंटू m बाय 2m इंटू v रिलेटिव का स्क्वायर. तो v रिलेटिव क्योंकि ये भी v से ही आ रहा था, ये भी V से आ रहा था और इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड हो गई वो 2B हो गई इसका स्क्वायर. ठीक है, इतनी इनका जो है आपका लॉस होगा जो कि हो जाती है एम वी स्क्वायर. या मैं कह सकता हूं कि इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब ये टकराएंगे तो आफ्टर कोलिजन ये दोनों रेस्ट पे आ जाएंगे. ठीक है, और जब रेस्ट पे आ जाएंगे तो इसने भी अपनी के काइनेटिक एनर्जी लूज कर दी, इसने भी के काइनेटिक एनर्जी लूज कर दी, तो टोटल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो गया 2k हो गया. टोटल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 2k हो गया. अब दोनों एक्साइटेड स्टेट में आ जाएं तो दोनों एक्साइटेड स्टेट में आ जाएं तो हमें कितनी टोटल एनर्जी चाहिए, हमें भाई इसको भी पहले एटम को भी एक्साइट करना है दूसरे को भी. तो पहले एक फर्स्ट आपके शेल से सेकंड शेल में लाने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होती है वो होती है 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो दोनों को करने के लिए हमें कितनी चाहिए, हमें चाहिए 20.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये आपका जो लॉस हो काइनेटिक एनर्जी का ये 20.8 के हो तो मिनिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए हमें, 10.4 चाहिए. तो आपका माफ कीजिएगा बच्चों 10.2 होता है, ये 10.2 होता है 10.2 और इधर 20.4. तो ये आपका जो काइनेटिक एनर्जी चाहिए हमें 10.2 इलेक्ट्रॉन